गाइज ये है कार 98 गन। वैसे तो मैं ज्यादा गेम्स नहीं खेलता लेकिन फिर भी मुझे अंदाजा है कि ये वही गन है। तो भाई आज हम जो है आप सोचेंगे टॉय गन लेके क्या कर रहे हैं, भाई साहब ये तो प्लास्टिक की गन है जो कि बच्चों को खेलनी है। लेकिन आज हम लोग करने वाले हैं सैंड कास्टिंग इसी गन की, यानी कि ये जो प्लास्टिक गन है इसको यूज करके एक मेटल की गन बनाने वाले हैं बहुत ही मजेदार कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस कमाल की वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन है वो दबा दो। आई डोंट नो कि रिजल्ट क्या होने वाला है लेकिन भाई अगर हम सक्सेसफुली बना पाए तो बहुत ही ज्यादा मजेदार बहुत बढ़िया बात होगी। शुरू करते हैं। गाइज इस गन की कास्टिंग के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज करेंगे उसको बोलते हैं ग्रीन सैंड कास्टिंग। ग्रीन का मतलब होता है गीली मिट्टी से जो कास्टिंग करी जाती है, और जिस मेटल का यूज करेंगे वो है एल्यूमिनियम मेटल। तो उसके लिए हमें इस तरीके का ढांचा चाहिए होगा जो कि आप देख सकते हो स्क्वायर बोर्ड है। वैसे हमने और भी कास्टिंग करी हुई है, हो सकता है आपको पता हो। और साथ में चाहिए मिट्टी। ये जो मिट्टी है ये स्पेशली जो है हमने बनाई है सिर्फ कास्टिंग के लिए। इसके अंदर चिकनी मिट्टी, नॉर्मल जो सैंड होती है, पानी और भी कई चीज़ों का मिक्सचर है। तो सबसे पहले इस मिट्टी को इसमें डालना है इस डब्बे को खोल करके। तो भाई साहब मैं जो है इसको स्ट्रेट अवे ही डाल देता हूँ इसमें। और अब जो है इसको हम बढ़िया से दबा लेंगे हाथों का यूज करके या हथौड़े का यूज करके। और गाइस इस तरीके की फ्लैट सरफेस मिलने के बाद में हमें हमारी गन को रखना है यहां पर और इसको थोड़ा सा इसके अंदर दबाना है। और अब ये जो दूसरा हिस्सा है इसको कर देते हैं भाई बंद और यहां पर बिल्कुल ठीक। और अब जो मिट्टी है इसको डालते हैं भाई ऊपर की साइड में और पूरा कवर कर देते हैं गन को। तो भाई एल्यूमिनियम डालने के लिए कैविटीज रेडी हैं। अब जो है इसको खोलते हैं और यहाँ पर उम्मीद है कि जो हमारी स्ट्रक्चर है वो ठीक ठाक बन जाए बिल्कुल। अब हमारी जो गन है उसको हमें बाहर निकालना है और इसको जो है वापस से बंद कर देते हैं बड़े ही आराम से। और अब बारी है इसमें एल्यूमिनियम डालने की। दोस्तों यहाँ पर इस भट्टी के अंदर हमने एल्यूमिनियम मेटल को गला करके गरम कर रखा है। काफ़ी देर में ये गलता है, एकदम लाल दिखता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। प्लीज़ ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना। देखो एकदम रेड हॉट है, बहुत गर्म है। इसको लेके चलते हैं हमारी कास्टिंग के पास। और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ एल्यूमिनियम को बीच वाले होल में ताकि ये चारों तरफ चला जाए इसी होल के थ्रू। और भाई यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है वो सारे होल्स में से बाहर निकल चुका है। तो अब तक तो सब कुछ एकदम बढ़िया गया है। और भाई अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखो जो मोल्टन मेटल है वो ऊपर किस तरीके से तैर रहा है। तो अब हम जो है इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं लगभग आधा घंटा और फिर देखते हैं क्या बना है। दोस्तों काफ़ी देर ठंडा होने के बाद में अब देखते हैं अंदर क्या बना है। सबसे मज़ेदार पोर्शन यहाँ पर। ओहो तो भाई बहुत गर्म है यार अभी भी। और यहाँ पर ओ भाई साहब क्या बात है, जो गन है वो बन के आप लोग देखो किस तरीके से दिख रही है। तो भाई मिट्टी को तोड़ करके इसको निकाल लेते हैं बाहर और आप लोग देखो कि इसमें कितनी सारी मिट्टी जो है फंसी हुई है। लेकिन यार गाइज सीरियसली जो रिजल्ट बना है वो काबिले तारीफ बना है यार। आप लोग देखो गन की स्ट्रक्चर क्या जबरदस्त तरीके से निकल के आई है भाई साहब, मतलब मजा आना इसको बोलते हैं। इस पे जो है थोड़े बहुत ये वाली चीजें बची हुई है जिससे हमने मेटल डाला था, तो इसको तोड़ लेते हैं। अभी ये काफी गर्म है और अब जो है इसको उठा करके सीधा डालते हैं पानी में और देखना है कितना गर्म है। देखो गाइस पानी कैसे उबल रहा है। ओहो
और अब ये हो चुकी है काफ़ी ठंडी, वेट मुझे फील हो रहा है, तो इसको जो है हम लोग अब ब्रश से साफ कर सकते हैं जो इसमें मिट्टी वगैरह फंसी रह गई है बीच बीच में। तो भाई साहब क्या मस्त यहाँ पर गन की कास्टिंग हुई है, सही बात बताऊँ तो इतनी तगड़ी कास्टिंग आज तक नहीं हुई। अब इसकी ये जो कॉर्नर्स हैं जिस पे थोड़ा एक्स्ट्रा एल्यूमिनियम है इसको साफ कर लेते हैं तो ये गजब दिखेगी। दोस्तों हल्की सी मशीनिंग करने के बाद में यहाँ पर है आपके सामने फाइनल रिजल्ट। एंड गाइस यार कितना जबरदस्त कास्टिंग हुई है, इतना सिंपल प्रोसेस से, कोई मशीनिंग ज़्यादा नहीं करी, सिंपल हथौड़े से थोड़ा बहुत इसको घिसा है, थोड़ा बहुत जो है दबाया है, लेकिन भाई साहब क्या मस्त गन यहाँ पर बन के तैयार हुई है। काफ़ी ज़्यादा वेट है, जो प्लास्टिक वाली थी उसमें कुछ नहीं है, कहाँ है प्लास्टिक वाली। भाई सच्ची में मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया इस वाली गन की कास्टिंग के बाद में। ज़रा डिटेलिंग देखो आप लोग, एक एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है, देखो ये वाली जो डिटेल है कितनी बढ़िया दिख रही है, इवन जो स्कोप है उसके ऊपर भी देखो एक एक पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ी सी अगर फिनिशिंग और करी जाए तो कितना ज़बरदस्त दिखे। यहाँ पर भी देखो ये डिटेलिंग दिख रही है, और क्या बात है पूरी गन में, यहाँ भी डिटेल्स देखो आप। अब आई डोंट नो कैमरा में आपको कितनी डिटेलिंग दिख पा रही है, लेकिन भाई साहब वास्तव में बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। तो अगर आपको हमारी इस मेहनत में मज़ा आया और ये जो गन है इसकी कास्टिंग देखने में मज़ा आया, पूरी प्रोसेस में मज़ा आया, तो नीचे जो लाइक का बटन है वो दबा देना। हमको सिर्फ आपसे आपका लाइक चाहिए, लाइक के रूप में प्यार चाहिए बस, थोड़ा सा और कुछ नहीं चाहिए, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और मस्त मस्त वीडियोज़ के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और ये जो पीस है ये बनेगा हमारे ऑफिस का डेकोरेटिव आइटम।